हमीरपुर के गांधी चौक पर DYFI और वीवो कंपनी के सहयोग से शहीदी दिवस भगत सिंह की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ हमीरपुर के SP अरजीत सेन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर DYFI के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान SP हमीरपुर ने खुद रक्तदान कर युवाओं का मार्गदर्शन किया। SP अरजीत सेन ने शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि छोटी सी उम्र में शहीद का जाम पीने के लिए भगत सिंह ने काम किया था, जिस कारण आज भारत देश आजाद हुआ है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि इस दिन पर नशे के सेवन से दूर रहने का प्रण लें। सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में डिग्री कॉलेज और हमीरपुर वासियों द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर की मैं ऑर्गेनाइजर्स को खासकर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने एक इतना अच्छा और नेक कार्य जो है सोचा और इकट्ठे होकर आप लोगों ने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया। जो यहां पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं युवा लोग जो और हमीरपुर वासी, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना परोपकारी और पुण्य का काम आज कर रहे हैं। आज हम जिन शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में एक ब्रिटिश एम्पायर जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था, उससे टक्कर लेने और अपनी जान की कुर्बानी देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ आज के युवाओं में एक छोटा तबका ऐसा भी है जो नशे के चंगुल में घिरा हुआ है, तो हम एक 23-22 वर्षीय भगत सिंह और राजगुरु के कुर्बानी को याद कर रहे हैं आज, तो हम ये भी रियलाइज करें कि हम वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे प्रोत्साहन उनके तरफ से ही हमको मिला है। तो अगर हम और हमारी युवा पीढ़ी इस नशे की लत में अगर फंस जाएगी तो इससे बुरा शायद और कुछ नहीं होगा। तो मैं सभी हमीरपुर वासियों और खासकर डिग्री कॉलेज के छात्रों से सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आज के शहीदी दिवस पे जब वे इतने महान क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर कर रहे हैं, तो वे ये प्रण भी लेंगे कि ना वे नशे का सेवन करेंगे और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को करने देंगे जो उनके जानकार है या जानने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं होप करता हूं कि आप लोग इस रक्तदान शिविर को और इस शहीदी दिवस को स्मरण करेंगे और नशे से दूर रहेंगे। और हमीरपुर पुलिस खासकर काफ़ी गंभीरता से इसको लेती है और इस प्रदेश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हम प्रयासरत है, हिमाचल सरकार प्रयासरत है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस शिविर को एक सिर्फ लोग युवाओं को इकट्ठा करने का एक माध्यम क्योंकि ये बन चुका है, इसलिए आप इसको एक प्रण के रूप में भी लेंगे कि आप नशे से दूर रहेंगे और आपके जानने वाले लोगों के बारे में अगर कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमीरपुर पुलिस का आप बिल्कुल सहायता करेंगे ताकि नशेड़ी तत्व और जो इस अराजकता फैलाने वाले लोग जो इस समाज में है उनको हम अपने स्कूल कॉलेजों और युवा पीढ़ी से दूर कर सकें। धन्यवाद। इस अवसर पर DYFI के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि सभी हमीरपुर वासी हर साल शहीदी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करने के लिए आज के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को शहीद भगत सिंह के विचारों पर अमल करने की जरूरत है और इसमें काम करना अति आवश्यक है। जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से बहुत कम उम्र में इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की बहुत कम उम्र में कुर्बानी दी, ऐसे तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह वो अपने विचारों को लेकर बहुत कम उम्र में जो उनके जो विचार थे, जो क्रांतिकारी उनके विचार थे,
जो एक समाजवादी भविष्य की जो बात वो करते थे, वो आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम समझते हैं कि उनके विचारों की समाज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस देश के नौजवान स्पेशली जब शहादत दिवस पर इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लगातार करते हैं। हमीरपुर के अंदर भी हम हर वर्ष शहीदी दिवस पर जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, और हमीरपुर वासियों के सहयोग से